आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? देखिए, जब एटम के बारे में बताया गया तो रदरफोर्ड और वोर ने क्या कहा कि एक सेंटर पर न्यूक्लियस रहता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के जैसा घूमते रहता है, करेक्ट। बट जब स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन आया या जब डुअल नेचर ऑफ मैटर आया तो इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है, इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है। अब वेव जैसे साउंड एक वेव है, जैसे इस रूम में हम कुछ बोल रहे हैं तो साउंड कहां मौजूद है? इस रूम में कहां पर मौजूद है साउंड? हर जगह मौजूद है। जैसे ये चौक है, इस चौक को अगर हम रखेंगे तो बोलेंगे हाँ चौक यहां पर मौजूद है क्योंकि चौक एक पार्टिकल है, लेकिन साउंड एक वेव है। वेव उस कोना पर भी मौजूद हो सकता है, यहां पर भी मौजूद हो सकता है। वेव के मौजूद होने का कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। तो जब माना गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, तो उसका एड्रेस या उसका लोकेशन हम लोग कैसे पता करेंगे? तो स्क्रॉन्डिंजर क्या किए, एक इक्वेशन बनाए, ठीक है, और उस इक्वेशन का उन्होंने सॉल्यूशन दिया। जब सॉल्यूशन दिया उस सॉल्यूशन से तीन चीज बाहर आया, एक एन, एक एल, एक एम, ये तीन चीजें बाहर आई, ठीक है। इन तीनों को बोला जाता है, ये तीनों क्वांटम नंबर्स हैं। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर और ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक और क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर टोटल चार है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन से नहीं निकला था, वो उसका अपना एक आइडेंटिटी है। लेकिन ये जो स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन है ना, इस स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन को जो सॉल्व किया गया, तीन को वेरिएबल निकला और तीन वेरिएबल में से एक था एल, एक था एन, एक था एल, दूसरा था एम, तो तीन क्वांटम नंबर निकला, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई ये क्वांटम नंबर है क्या, क्वांटम नंबर तुम्हारा एड्रेस बताता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स के होने का, ठीक है। लेकिन यह भी डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी क्या माना जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो फिर वेव का तो कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है। एक्चुअली में क्वांटम नंबर उस लोकेशन का पता बताने का ट्राई करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने का चांसेस सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये मिलके क्या करता है, ये लोग मिलके क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, किस चीज का प्रोबेबिलिटी, किस चीज का संभावना बताता है, इलेक्ट्रॉन के होने का, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, बस समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस। अब तुम चांस लिए, वहां हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो या हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना भी हो, तुम खाली प्रोबेबिलिटी बता सकता है वहां होने का, 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताता है ये लोग। तो सबसे पहले हम लोग एन के बारे में देखते हैं, ये एन क्या है, एन को बोला जाता है प्रिंसिपल, वही स्कूल वाला प्रिंसिपल, मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। एन बेसिकली क्या बताता है, एन बेसिकली बताता है, जैसे इस रूम को समझ लो, एक स्पेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मौजूदगी का प्रोबेबिलिटी बताएगा ये लोग, ठीक है। तो अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो कितना बड़ा स्पेस में मौजूद है या कितना
छोटा स्पेस में मौजूद है। तो ये एक्चुअली में साइज ऑफ द शेल बताता है, शेल का साइज के बारे में बताता है ये, ठीक है, शेल के साइज के बारे में बताता है। इसका जो वैल्यू है वो n इक्वल टू 1 हो सकता है, n इक्वल टू 2 हो सकता है, ऐसे करते करते n इक्वल टू वो इन्फिनिटी जा सकता है। बट रिमेंबर कि n का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, बट इट कैनॉट बी 0। ये बता रहा है, देखो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, है ना। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ठीक है, ये ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब है, ऑर्बिटल का मतलब है वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ये एक 3D स्पेस है, जैसे ये रूम 3D स्पेस है ना, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज क्या, मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ते जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली में साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, बट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर बताता है, क्या बताता है, शेल नंबर बताता है। जैसे इसका शेल नंबर क्या हो गया, 1, 2, 3 ऐसे बता रहा है, कौन से सेल में है। जैसे तुम लोग पढ़े होगे, जैसे n इक्वल टू अगर 1 है तो तुम बोलते हो के शेल है ना, के शेल है। n इक्वल टू 2 है तो l शेल है, ऐसे ही होता है ना, के एल एम एन चलते जाता है। तो एक्चुअली में ये बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। बट चलती फिरती भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर बताता है, ठीक है, कौन सा शेल। क्लियर। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाला क्वांटम नंबर, दैट इज एल, या इसको हम लोग एजिम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो एजिम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, दैट इज एल, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। तो एल का जो वैल्यू होगा, L इक्वल टू क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, L इक्वल टू 1 हो सकता है, L इक्वल टू 2 हो सकता है, L इक्वल टू 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हम लोग को सब शेल के बारे में जानकारी देता है, किसके बारे में जानकारी देता है, सब शेल। देखो जैसे ये पूरा एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये पूरा जो बिल्डिंग है ये हो गया शेल, बिल्डिंग के अंदर रूम है तो हो गया सब शेल, ठीक है।
तो जैसे एन हम लोग को ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था या शेल के बारे में बता रहा था, ये शेल के अंदर जो शेल है उसके बारे में बताएगा। जैसे अगर एन एल का वैल्यू जीरो है तो ये बता रहा है एस, सब सेल कौन सा है एस। अगर एल का वैल्यू वन है तो कौन सा सब सेल है पी। अगर एल का वैल्यू टू है तो ये डी, और एल का वैल्यू थ्री है तो एफ। जी भी होता है बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग एफ तक ही जान लेंगे काफी है, ठीक है। तो एल का वैल्यू अगर जीरो है तो हमको पता है कि कौन सा सबशेल है, एस सबशेल के बारे में बात कर रहा है। जैसे बात को समझो, जैसे एक कैंपस है, उस कैंपस में चार या पांच बिल्डिंग है, ठीक है। तो एक जो बिल्डिंग है वो एन है शेल, अब उस बिल्डिंग के अंदर जो रूम है वो सबशेल है। तो अगर एल का वैल्यू जीरो आता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो एस सबशेल के बारे में बात कर रहा है। अगर एल का वैल्यू वन आता है तो पी, एल का वैल्यू टू आता है तो डी, और एल का वैल्यू थ्री आता है तो एफ। यहां तक क्लियर है, ठीक है, ओके। एक और चीज देखो कि अगर एन और एल को हम लोग कंपेयर करें, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है। एन हमारा शेल है, एल हमारा सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। अगर हम लोग जानते हैं कि एन का वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले, तो वन होगा। अगर इसका वैल्यू वन होता है तो इसका वैल्यू जीरो आएगा, ठीक। इसका वैल्यू अगर टू होता है, अगर टू होता है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एन माइनस वन होता है ना, हाँ, जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। अगर एन का वैल्यू थ्री होता है तो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। अगर एन का वैल्यू फोर होता है तो जीरो भी हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, क्लियर। मतलब एल का जो वैल्यू है तुम बोल सकते हो कि जीरो टू एन माइनस वन हो सकता है। क्या देखो तो जीरो टू एन माइनस वन होगा ना। जैसे एन का वैल्यू वन लिए तो एन, एन का वैल्यू वन लिए तो जीरो टू जीरो मतलब एक ही वैल्यू है जीरो। अगर तुम एन के वैल्यू टू लेते हो तो जीरो एक वैल्यू होगा और दूसरा वैल्यू हो जाएगा टू माइनस वन, वन, तो जीरो और वन। अगर थ्री लेते हो तो जीरो से जीरो, थ्री माइनस वन टू, मतलब जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा। तो ये रिलेशन है एल और एन के बीच में। ठीक है, अब एक चीज देखो, एल का वैल्यू यहां कितना आ रहा है, जीरो। जीरो मतलब कौन सा सबशेल होता है, एस। एन का वैल्यू कितना है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ वन एस होगा। बात समझ में आ रहा है, इसमें टू है, जीरो भी है, तो जीरो मतलब एस, वन मतलब, वन मतलब पी, तो इसका मतलब 2s 2p दो होगा इसमें। समझ में आ रहा है, इसमें 3 है, 0 है तो 3s, 1 है तो 3p है ना, और 2 है तो 3d हो जाएगा क्योंकि 2 के लिए d होता है। ये 0, 0 होने, जब 0 होता है तो कौन सा सबशेल होता है, तो s होगा। लेकिन ऑलरेडी एन का वैल्यू तुम टू ले लिया, इसलिए टू एस। वन भी इसमें है, वन होने पे पी, तो टू पी भी होगा। जीरो है, जीरो के लिए एस, एन का वैल्यू कितना है तो थ्री एस। वन मतलब पी, एन का वैल्यू थ्री है तो थ्री पी। समझ में आ रहा है, उसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो मतलब एस, एन का वैल्यू है फोर तो फोर एस, 4p, 4d, 4f।
ठीक है। तो एल हम लोग को ये बता, एल एक्चुअली में एक और चीज बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिटल, ठीक है, किसी भी गिवन ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाय टू पाई रूट अंडर एल एल प्लस वन, इससे हम लोग उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है एच बाय टू पाई एल एल प्लस वन का रूट है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो तुमको अगर बोल दिया कि 3p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए, ठीक है, 3p एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए 3p में। तो हमारा मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच बाय टू पाई रूट अंडर एल प्लस वन। तो एच बाय टू पाई तो फिक्स है हमारा, चेंज होगा सिर्फ एल का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा एच बाय टू पाई, क्लियर, रूट अंडर एल। अब जब पी होता है तो एल का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, जब पी होता है तो एल का वैल्यू वन होता है, तो यहां पर एल हो जाएगा वन और वन प्लस वन टू आएगा, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन, टू बचेगा तो एच बाय टू पाई इंटू रूट टू, इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आया, हाँ, इससे हम लोग लिख दिए तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एज उसका एंगुलर मोमेंटम बताने में ये मदद करेगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एम, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किस चीज का जानकारी देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज एम, ठीक है, ये हमें किसका जानकारी देता है। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक और चीज, सॉरी, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हम लोग को एक और चीज बताता है, ये बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में भी, क्या बताता है शेप। जैसे देखो अगर एल का वैल्यू जीरो है तो कौन सा सबशेल होगा, एस, इसका जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, लिख लो, एस का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, एस का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, ठीक है। अगर एल का वैल्यू वन आता है तो हमारा कौन सा सबशेल होता है, पी, पी होता है ना, एल का वैल्यू वन होता है तो इसका शेप होता है डंबल, इस तरह से डंबल जब उठाते हैं, ठीक है, ये हो गया डंबल, ये हो गया डंबल शेप, ठीक है। अगर एल का वैल्यू टू आता है तो ये डबल डंबल हो जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, डबल डंबल हो जाएगा, फूल जाता दिखेगा, डबल डंबल, इसको लोग बोलते हैं डबल डंबल, ठीक है। और अगर एफ रहता है तो ये एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड शेप है, इसे कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसको बोला जाता है एट फोल्ड स्ट्रक्चर है, एट फोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, एट फोल्ड स्ट्रक्चर, उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए लिख दिए कॉम्प्लिकेटेड शेप है इसका, एफ का कोई पर्टिकुलर नहीं होता है,
कॉम्प्लिकेटेड होता है एच। तो इसका मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर एल हमें ऑर्बिटल का शेप के बारे में भी बताता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ठीक है, कैसा वो दिखता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इसका कोई फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अबाउट एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, सबशेल के बारे में जानकारी देता है, और यह भी बताता है कि जो हमारा ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा है, वो दिखता कैसा है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे देखो का जो वैल्यू होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइनस एल टू प्लस एल, ये इसका वैल्यू का रेंज है, ठीक है, माइनस एल टू प्लस एल। जैसे मान लो कि जैसे एन का वैल्यू वन है, तो जब एन का वैल्यू वन होता है तो एल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर एम का वैल्यू क्या आएगा, एम का वैल्यू आ जाएगा माइनस जीरो से प्लस जीरो, मतलब सिर्फ हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि माइनस जीरो और प्लस जीरो तो अलग अलग तो होता नहीं है, सिर्फ जीरो होता है। इसका मतलब क्या हो, देखो अब ये बताओ कि एल जीरो का मतलब कौन सा सबशेल होता है, बताओ एल जीरो में कौन सा सबशेल आता है। एल जीरो का मतलब एस होता है ना, ठीक है, और एम जीरो आ गया इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही घर होगा ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो एन का वैल्यू अगर हम लोग टू लेते हैं तो एल का वैल्यू क्या आएगा, एल का वैल्यू जीरो भी आएगा वन भी आएगा, एल का वैल्यू जीरो भी आएगा वन भी आएगा। अब एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल जाता है, तो अगर हम वन लगा लेते हैं तो माइनस वन होगा जीरो होगा वन होगा, तो कितना आ रहा है यहां पे, दो कैसे, तीन आया ना। तो इसका मतलब, और जब L का वैल्यू तुम्हारा वन होता है ना, L का वैल्यू जब वन होता है तो तुम्हारा P आ जाता है, L का वैल्यू वन में P आता है ना, तो तुम्हारा P में एक्चुअली में तीन घर होगा, बात समझ में आ रहा है। जीरो का कितना, हाँ जीरो मतलब भी एक घर है, ठीक है, यहां पे माइनस वन आया जीरो आया वन आया मतलब इसमें तीन घर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप n का वैल्यू 3 लेते हैं तो l इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3 से 3 जाएगा, सॉरी सॉरी यहां पे कोई गलती हुआ, 2 लिया था ना l, अच्छा हाँ ठीक है, तो l का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 0 1 2, करेक्ट। एक और चीज देखो, जैसे L का वैल्यू यहां पे जीरो भी आ रहा है और वन भी आ रहा है, जब L का वैल्यू जीरो होता है तो S बताता है ना, क्या बताता है, S। तो S के लिए ये S के लिए हो गया, ये तुम्हारा हो गया P के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां पे देखो, जैसे L का वैल्यू जीरो आया तो ये S हो गया, P हो गया, D हो गया। अब M का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लेते हैं तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, पांच आ रहा है, तो इसमें एक दो तीन चार पांच आएगा, आएगा। तो D के लिए तुम्हारा पांच आ गया, P के लिए तीन आएगा और S के लिए एक आएगा, टोटल कितना हो रहा है, नौ हो रहा है।
जैसे ये जो आठ, ये पांच किसके लिए आया? ये डी के लिए आया, क्योंकि अगर तुम टू ले रहे हो, यहां ध्यान दो, अगर एल का वैल्यू तुम टू ले रहे हो तब ना ये माइनस टू से लेके टू तक जा रहा है, तो माइनस टू से टू का मतलब क्या, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, तो ये डी के लिए आया कितना पांच। अगर हम लोग पी के लिए भी बनाए तो पी के लिए कितना आएगा, तीन आएगा, और एस के लिए कितना आएगा, एक, तो कितना हो जा रहा टोटल नाइन। देखो एक चीज, यहां एल का वैल्यू कितना है या एन का वैल्यू कितना है, और घर जो आ रहा है थ्री का स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां पर एन का वैल्यू कितना था, घर कितना, चार आया था, देखो पी के लिए तीन और एक एस के लिए, तो इसीलिए नंबर ऑफ सब शेल्स इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो एन का स्क्वायर होगा, है ना, कितना सब शेल्स बन रहा है, जितना एन है उसका स्क्वायर हो जा रहा है। बात समझ में आया? एक्चुअली में ये बताता है ओरिएंटेशन, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कैसे वो ओरिएंटेड है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटा बात बोले तो वो एक्चुअली में हमें सब शेल्स के बारे में जानकारी देता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहां अरेंज करना है कैसे, है ना, तो हमको पहले तो पता होना चाहिए ना कितना घर है, तब ना अरेंजमेंट करेंगे। बात समझ में आया? तो ये हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और नंबर ऑफ सब शेल्स हमेशा एन का स्क्वायर होगा। ओरिएंटेशन मतलब कैसे आप अरेंज्ड है, कैसे तुम्हारा मान लो चेहरा उस साइड है, इसका चेहरा ऐसे है, तो तुम्हारा ओरिएंटेशन, एक का ओरिएंटेशन उधर है, एक का ओरिएंटेशन का मतलब होता है आप अरेंजमेंट कैसे किए हैं उसका, ठीक है। ये बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू हमेशा माइनस एल से अरेंजमेंट, समझो माइनस एल से प्लस एल तक वो जाता है, ठीक है। और इसके हिसाब से हम लोग वैल्यूज के हिसाब से बता सकते हैं कि उसमें जो घर बनेगा वो कितना कितना घर बनेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमको एडजस्ट करना है, अरेंज करना है। समझ में आ गया यहां तक? तो ये तीन गो मेन था, लास्ट वाला जो है वो है एस पी डी एफ एस पी, सॉरी तुम्हारा तीन क्वांटम नंबर हो गया एन एल और एम, लास्ट जो है उसको हम लोग एस बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का उस स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं था, वो एक अलग है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, एस से इसको डिनोट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो दो तरह से घूम सकता है, कैसे दो तरह से, देखो या तो ऐसे घूमेगा या तो वो ऐसे घूमेगा, क्या जी, दो तरह से घूम सकता है ना, मतलब या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें मान लिया गया, जैसे कुछ भी मान सकते हो तुम, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन जिसको एक बार पॉजिटिव लोगे तो उसको हमेशा दिमाग में पॉजिटिव रखना, जैसे हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं मान लो, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एस इज इक्वल टू प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं तो एस इज इक्वल टू माइनस हाफ। बात समझ में आया? तो इसका मतलब इसका जो स्पिन है वो प्लस हाफ है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका स्पिन जो है वो माइनस हाफ है, दैट इज वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ये स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे कर रहा है, घूम कैसे रहा है, रोटेट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चार क्वांटम नंबर का जानकारी। इसमें एक चीज और जान लेना है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो, एक्सक्लूसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है यूनिक एकदम, ठीक है। जैसे देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर है ना, सेम नहीं हो सकता है, तीन को सेम हो सकता है लेकिन चौथा क्वांटम नंबर अलग हो जाएगा, स्पिन, ठीक है। मतलब चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर किसी का सेम हो ऐसा असंभव है। तो लिखो इसका एक स्टेटमेंट क्या है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स in a given atom can have all 4 sets of quantum number same, है ना, चारों सेट सेम नहीं होगा, यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या हो गया, इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन एटम कैन हैव ऑल सेट ऑफ फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सेम, मतलब चारों जो सेट है क्वांटम नंबर का वो सेम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल मान लो कि ये एस, एस में एक ही घर होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हम लोग रखे हैं, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब देखो इन सारे इन दोनों इलेक्ट्रॉन का एस में है, मान लो टू एस में है सपोज, तो इसके लिए एन का वैल्यू टू है, एन का वैल्यू दोनों के लिए, दोनों किस सबसेल में है, दोनों के लिए एल का भी वैल्यू सेम आएगा, अगर एन का वैल्यू सेम है तो एल का भी वैल्यू, लेकिन दोनों का स्पिन अलग अलग है, चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं आएगा, तीन सेट क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम कैन हैव ऑल फोर सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स सेम। ये एक मोटा मोटे आइडिया था क्वांटम नंबर्स के बारे में, जो कि हम लोगों को क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के कहीं होने का प्रोबेबिलिटी बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक वेव के ऐसा मानने लगे। वोर और रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा है, लेकिन जब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का पता चला तो बोला गया, स्कॉटिंजर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वेव कहीं भी मौजूद हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकता है, होने का चांसेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इससे हम लोग चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के बारे में जाने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसको डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू।